के जन
कुछ पता है। सखियों ने क्या कहा? हाँ, जंगल में पीछे पीछे गई अन के चरावत रहले। जंगल में पीछे पीछे गई अन के चरावत रहले। जंगल में पीछे पीछे बाकी बिहारी से।
लड़ गई अखियां।
जानते जितना भी हम
आशुतोष तुम ओ घरदानी आरती हराहूं दीना जनु जानी। महाराज दशरथ कहते हैं प्रभु मेरा पुत्र मेरी बात न माने, मेरे राम मेरी बात को न माने और वन में न जाए। इधर भगवान राम माँ कौशल्या माँ सुमित्रा माँ कैकेयी सबको प्रणाम करके भगवान कहते हैं प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। और भगवान वल्कल वस्त्र धारण करके श्री लक्ष्मण जी और माँ जानकी के संग में चल पड़े। और ये बात जब अयोध्या वासियों को पता चली तो सारे अयोध्या वासी आज भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहते हैं प्रभु जिस अयोध्या में आप नहीं उस अयोध्या में हम अयोध्या वासियों का भी कोई काम नहीं, आप जहां जाएंगे हम सब पीछे पीछे चलेंगे। सभी मिलकर के सभी के आंखों में अश्रु हैं आज और आज सभी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। कहते हैं कि रो रहे अयोध्या वासी है हो रहे राम बन कि हो रहे राम वनवासी हैं रो रहे अयोध्या वासी हैं हो रहे राम वनवासी हैं रो रहे अयोध्या वासी हैं हो रहे राम वनवासी हैं रो प्रणाम करके चल पड़े। कहते हैं पितु मातु को शीश नवाई चले राघव मुनि वेश बनाई चले पितु मातु को शीश नवाई चले राघव मुनि वेश बनाई चले। और भगवान कैसे चल ले मानो ऐसा प्रतीत होता है कैसा जैसे चलता सन्यासी है रो रहे राम वनवासी है जैसे चलता सन्यासी है रो रहे अयोध्या वासी है हो रहे राम वनवासी है रो रहे अयोध्या वासी है।
शंभु अविनाशी है, रो रहे बड़ा दुख कब होता है? अगर भगवान का साथ छूट जाए, आपके जीवन से भगवान निकल जाए, तो समझिए वही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, परमानंद है, परम शांति है, परम सुख है। उसी प्रकार से आज अयोध्या वासियों के जीवन से भगवान जा चुके हैं, जा रहे हैं, और उन्हें जाता हुआ देख करके सारे अयोध्या वासी टूट चुके हैं और सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहते हैं, बस लहर शोक की छाई है, विचार करिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिन्होंने चौथे वन में भगवान राम को पाया, माँ कौशल्या जिनके लाडले पुत्र भगवान श्री राम हैं, और अचानक से जिसको इतने वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा किया, जो राजकुमार हैं, जो महलों में रहे हैं, अचानक से उन्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़े, क्या स्थिति होगी माँ कौशल्या की, क्या स्थिति होगी महाराज दशरथ की, एक बार कल्पना करिए। आज सबकी स्थिति बहुत ही खराब है, सभी बड़े चिंतित हैं, सभी घायल पड़े हुए हैं। महाराज दशरथ की ये स्थिति है जिस प्रकार से एक घायल शेर, अगर उसे चोट लग जाए वो भूमि पर गिर पड़े, आज उसी प्रकार से महाराज दशरथ घायल शेर की भांति भूमि पर पड़े। चंद्रमा से अगर उसका अमृत निचोड़ लिया जाए और उसे फेंक दिया जाए जमीन पर, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ टूट करके गिर चुके हैं,
घायल हो चुके हैं, सभी रो रहे हैं, कहते हैं संग शिकारी विश्वासी है, रो रहे रो रहे।